आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे काफ़ी बार डिस्कस किया है आज फिर से अगेन डिस्कस करेंगे सबसे पहले मैं अपने व्यू बता देता हूँ आईआरसीटीसी मुझे काफ़ी स्टॉक पसंद है पहले भी पसंद था अभी भी पसंद है आगे भी पसंद होगा अगर कोई फंडामेंटली चेंज नहीं आएगा कोई रेड फ्लैक्स नहीं आएंगे कोई मैनेजमेंट्स में चेंजेस नहीं आएंगे तब भी आगे पसंद रहेगा तो वो उस समय की बात उस समय होगी अभी के लिए मुझे काफ़ी पसंद है स्टॉक अब आप सोच रहे होंगे तो वो खबर बताइए जिसकी वजह से आई आर से हम दूर रहें अभी ख़रीदारी ना करें तो देखो खबर वो सभी को पता है मुझे ज़्यादा खबरों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बार बार खबर को रिपीट करने से खबर की वैल्यू भी कम हो जाती है तो एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया है साउथ अफ्रीका में जो मिला है मे बी इंडिया में उसके केसेस एक भी नहीं है ना इंडिया में अभी तक वो आया है लेकिन अगर किसी भी सिनेरियो में आता है तो हो सकता है इम्पैक्ट पड़ सकता है आईआरसीटीसी पे तो इसलिए टूर एंड ट्रेवल्स वाले स्टॉक होटल वाले स्टॉक सिनेमा तो इन स्टॉक से अभी के लिए कुछ दिनों के लिए दूरी बना के रख सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ख़राब हो गए आ, पिछली बार कोविड में भी आया था कोविड गया भी सेकेंड वेव भी आई सेकेंड वेव भी गई स्टॉक फिर भी वहीं थे और वहाँ से ऊपर ही गए नीचे नहीं गए तो ये चीज़ें आप अपने बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं और मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वन मंथ की कैंडल है आईआरसीटीसी में ये आप देख सकते हैं कोविड के टाइम की कैंडल ये कैंडल है ये कोविड के टाइम की कैंडल है ये गिरावट हुई थी कोविड के टाइम में उसके बाद आप देख सकते हो भारी कंसोलिडेशन हुआ है लगभग ये वन मंथ की कैंडल है तो आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एवन लगभग टेन मंथ के आसपास भारी कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में उसके बाद आपने देखा होगा स्टॉक्स में किस तरीके की तेज़ी आई थी स्टॉक चला गया था छः हज़ार के आसपास में फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई बोनस की खबर की वजह से भागा था स्टॉक उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई उसके बाद रेवेन्यू शेयरिंग की खबर वहाँ पे गिरावट और अभी के लिए मैंने आपको बता रखा था कि स्टॉक कंसोलिडेशन कर सकता है 800 की 1000 की रेंज में जब जब ये खबर नहीं आई थी ये वाली क्या कहते हैं जो कोविड वाली तब मैंने बता रखा था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है और आप आठ के आसपास खरीदारी कर सकते हैं ये मैंने हमेशा से बताया हमने सात के आसपास भी डिस्कस किया था जिस दिन रेवेन्यू शेयरिंग की जो खबर आई थी तब तो अब दोबारा से फ्रेश क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में डिस्कशन होगा तो अब चार्ट पर बंडे के चार्ट पर लेके जाऊंगा टेक्निकली पूरा आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं बाकी तो देखो आपकी मर्जी है इन द एंड बाकी आपका पैसा ये चीज़ें तो आप देख ही सकते हो और मैं हमेशा गाइड करता रहता हूँ आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो अभी कोविड का न्यू वेरियंट आया हो सकता है इंडिया में ना इफेक्टेड और हो सकता है ना आए लेकिन उस खबर की वजह से जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले स्टॉक हैं इनमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा या तो कंसोलिडेशन या थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और ये मेरे पर्सनली व्यू हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आ, कि भाई मैंने ऐसा कह दिया तो ऐसा ही हो जाएगा मैं कभी भी ऐसा कहता नहीं ना आपको कभी टारगेट देता हूँ ये टारगेट या वो टारगेट जहाँ पे प्रॉफिट हो जहाँ पर आप खुश हो दस परसेंट में बीस परसेंट में वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर ये नहीं सोचना है लॉन्ग टर्म में ये आई आर कोविड के टाइम में नौ सौ हज़ार बारह सौ के आसपास चल रहा था और उसके बाद छः हज़ार चला गया एक साल बाद ही इतनी सही तरीके से ट्रेनें खुली भी नहीं थी तो लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छे स्टॉक खरीदोगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ब्लू चिप होंगे वो रिटर्न अच्छे कमा के ही देंगे शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है और वही आपको सीखना है किस तरीके से अपनी साइकिल जी को कंट्रोल करना है हमेशा बताता रहता हूँ लर्निंग लेना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में तो लर्निंग जितनी भी लेंगे उतना आप सक्सेस हो सकते हैं ये चीज़ें हैं आपको दिमाग में रख सकते हैं इनको अभी के लिए देखो मैंने आठ सौ का लेवल बताया था अभी मैं उस लेवल को भाई चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो है कोविड की सिचुएशंस है नहीं लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है इम्पैक्ट पड़े अभी के लिए मैं एक आपको और लेवल बता रहा हूँ अभी के लिए आप अगर सात सौ पचास रुपये का जो लेवल देखेंगे वो वो भी काफ़ी अच्छा लेवल है उसको ध्यान में रख सकते हैं वहाँ पर एक डिप लगा सकते हैं और ऐसा मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर तक कंसोलिडेशन हो सकता है अब इस स्टॉक में ज़रूर कंसोलिडेशन हो सकता है और थोड़ी सी गिरावट हो सकती है तो कंसोलिडेशन को ध्यान में रखना है ऐसा नहीं कि आपने मान लो चलो आठ सौ पर ही ख़रीद लिया कोई बात नहीं चलो तुम आपने आठ सौ पर ख़रीद लिया और अगर ये तीन चार महीने इवन पाँच महीने तक आठ सौ नौ सौ रुपये की रेंज में ही घूमता रहा आपके पास जवाब होना चाहिए कि कोई बात नहीं घूम रहा है तो कोई बात नहीं मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो ये स्टॉक्स ऐसे ही हैं आठ नौ महीने तक हो सकता है ये इसी रेंज में घूमते रहे आठ सौ से एक हज़ार की रेंज में अगर क्वार्टर के रिजल्ट तो अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हो सकता है वहाँ से ब्रेकआउट आ जाए नहीं आएंगे तो कंसोलिडेशन हो सकता है तो अगर कंसोलिडेशन को ध्यान में रख रख सकते हो आप लोग पैनिक नहीं हो, हो मतलब उस कंसोलिडेशन के टाइम में अपने जो पेशेंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो तब आप ख़रीदारी कर सकते हो और ये जब स्टॉक भागेगा तो ऐसा नहीं है ये आठ महीने कंसोलिडेशन करेगा उसके बाद अगले दो महीने में ही साठ सत्तर सौ परसेंट भाग जाएगा स्टॉक ऐसे ही भागते हैं जनरली ऐसा नहीं है आप सोचो कि पूरे साल भर भागते रहते हैं स्टॉक दो तीन महीने में ही इतना भाग जाते हैं पूरे साल भर की रिकवरी दिखा देते हैं और ये चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूँ इसीलिए कभी कहता हूँ मोमेंटम चेस नहीं करना आपको जब लोग फेयरफुल हूँ वहाँ पर एंट्री लेनी है जब लोग ग्रीडी होते हैं भागते हुए स्टॉक के पीछे भाग रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना होता है और हमेशा से मैं आपको इसलिए गाइडेंस देता रहता हूँ और ये मेरे देखो पर्सनली जो भी व्यू थे मैंने आपको बता दिए हैं बाकी आपकी मर्जी है आपका पैसा है अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हो अपना एक व्यू बना सकते हो सुननी सबकी करनी अपनी है चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो कर दोस्तों शेयर कर देना चाहें दोस्तों